संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छोटी कटोरी से एक कटोरी हमने बारीक वाला बेसन लिया है। यदि आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से बेसन की सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगी और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप इसमें कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वो अजवाइन से टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे और जो हमने ऑयल डाला था ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी कि हम इसमें अच्छे से मोम लगा देंगे। जब थोड़ा सा तेल डाल के इसमें आप मोम लगाएंगे तो जब आप सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसका आटा लगा करके तैयार करेंगे। हमने बेसन का आटा लगा करके तैयार किया है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लिया है, सिर्फ हमें 2-3 लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं। यदि आपको ज़्यादा लोगों के लिए सब्जी बनानी है तो आप थोड़ा ज़्यादा बेसन ले लें। हमने 1 लोई का बेसन लिया है और 1 लोई बन करके अच्छे से तैयार हो चुकी है। जो हमने बेसन का आटा लगाया था उसकी हम पूड़ी बेल करके तैयार करेंगे। जो आप सादा आटा की पूड़ी बनाते हैं उस पूड़ी से आपको दोगुनी मोटी पूड़ी बना करके तैयार कर लेनी है। देखो ये हमने बेसन की पूड़ी बना करके तैयार की है। आप इतनी मोटी पूड़ी बना करके तैयार कर लेना है। साइड में हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। देखो पानी में अच्छे से बॉयल भी आने लगी है। जो हमने पूड़ी बनाई थी इसमें हम पूड़ी को डाल देंगे और तेज गैस पर पूड़ी को हम पानी में अच्छे से पकने देंगे। 2-3 मिनट हमने तेज गैस पर पूड़ी को पका लिया है। अब हम गैस को मीडियम करेंगे, मीडियम गैस पर पूड़ी को पकने देंगे। जब तक हमारी पूड़ी पक रही है हम उसके लिए मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। 4-5 हमने काली मिर्च ले ली है और 1/2 चम्मच हमने साबुत खड़ी धनिया ले ली है और 3 हमने हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा सा टुकड़ा हमने अदरक कर लिया है। 5-6 कलियां हमने लहसुन की ले ली है और थोड़ी सी हम इसमें 2-3 लौंग डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें सौंफ डाल देंगे और थोड़े से साबुत जीरा डाल देंगे और 1 हमने बड़ा टमाटर ले लिया। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। हमने मसाला बना करके तैयार कर लिया है। जब तक हमने मसाला बनाया जो हमने पूड़ी को पकने के लिए रख दिया था, हमारी पूड़ी भी अच्छे से पक चुकी है। पूड़ी हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। हम गैस को बंद करके पूड़ी को 1 प्लेट में निकाल लेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में हमने 1/2 चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आज हम सरसों के तेल में सब्जी बना रहे हैं। यदि आप किसी और ऑयल में बनाना चाहते हैं तो किसी और ऑयल में भी बेसन की सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा को चटकने देंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो 1 हमने प्याज को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको भी डाल देंगे और तेज गैस पर प्याज को 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तेज गैस पर 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए प्याज को हमने पका लिया और जो हमने मसाला बनाया था मसाले को हम इसमें डाल देंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच छोटी चम्मच से हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि हमने पहले से इसमें हरी मिर्च डाली है, हमें बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और धीमी गैस पर अच्छे से मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पका लेंगे। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम इसकी छोटी छोटी टुकड़ों में पीस काट लेंगे। सारी पूड़ी के हमने अच्छे से टुकड़े कर लिए हैं। हमने धीमी गैस पर मसाले को अच्छे से पका लिया है। मसाले में खुशबू भी आने लगी
ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। हमने पानी डाल दिया है और थोड़ी देर तक हम ग्रेवी को इसी तरीके से पकने देंगे। हमारी ग्रेवी में एक बॉयल आ चुकी है, हम गैस को मीडियम कर देंगे। थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को इस तरीके से हम हाथों से मैश करके इसमें डाल देंगे और ग्रेवी को मीडियम गैस पर थोड़ी देर और पकाएंगे। और जो हमने बेसन के टुकड़े कर करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और गैस को मीडियम करेंगे, मीडियम गैस पर अच्छे से पकने देंगे। हमने धीमी गैस पर 4-5 मिनट इस सब्जी को और पका लिया है। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है और सब्जी से अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पानी डाल के इसको पका करके तैयार कर सकते हैं। हम गैस को बंद करेंगे, इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी एकदम नए तरीके की आज हमने बेसन की सब्जी बना करके तैयार की है। एक बर्तन में हमने सब्जी को पलट लिया है। जब आपको कुछ समझ में ना आए अपने घर में तो आप इसी तरीके से बेसन की सब्जी को बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब आप इस सब्जी को आप रोटी या पूरी के साथ खाएंगे तो रोटी के साथ खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। देखो जो हमने सब्जी बेसन की इस तरीके से पीस काटे थे बिल्कुल भी हमारे पीस बुरे नहीं है, क्योंकि हमने पहले से इनको अच्छे से पानी में पका लिया था। पानी के पकाने के बाद यदि आप इनको तेल में पकाना चाहते हैं तो तेल में भी पका सकते हैं, लेकिन हमने इस सब्जी को बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार कर लिया है। देखो ये हमारी सब्जी से खुशबू भी अच्छी आने लगी है। इस सब्जी को आप पूरी और रोटी के साथ खा सकते हैं। रोटी के साथ खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कभी भी आपको इस तरीके की बेसन की सब्जी बनाने का मन हो तो आप तुरंत ही बेसन को आटा लगा करके और उसकी पूरी बना करके पूरी को पानी में पका करके इस तरीके की सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।